हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यारो, आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन का जो लुक है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। क्योंकि गाइज, हम एंड्रॉयड के थीम को यूज़ करते करते बोर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको एक नए 3D लॉन्चर के बारे में बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी कमाल का है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फ़ोन में दिखा देता हूँ। गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है। और गाइज, ये जो लॉन्चर है ये एक 3D लॉन्चर है, स्पेस लॉन्चर है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है, ये इसकी खास बात ये है कि जब आप अपने फ़ोन को रोटेट करते हो, इस तरह मूव करते हो, तो उसी तरह ये भी मूव होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइज, आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोरेजी टेक्निकल में। मैं हूं अमित कुमार। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशंस रिलेटेड, नए नए ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। चलिए फ़ोन को हम स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हो हम आ गए फ़ोन को हम स्क्रीन पे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे 3D लॉन्चर को इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना होगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है 3D स्पेस गैलेक्सी थीम। दोस्तों, ये यहाँ पे डाल के आपको सर्च कर लेना है। फिर इसके बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। गाइज, इसकी काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है 4.5 की, और यहाँ पे आप देख सकते हो 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुका है। तो हमें सबसे पहले इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ये लोडिंग ले रहा है गाइज। यहाँ पे एक ऐड आएगा, आपको यहाँ पे बैक कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे आपको एक और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये दो एप्लीकेशन का कॉम्बिनेशन है, तभी ये काम करेगा जब तक आप दो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर लेते। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा प्ले स्टोर में। अब यहाँ पर आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। तो हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको ओपन करते हैं। तो गाइज, अब यहाँ पे लोडिंग लेगा थोड़ा सा। अब यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे कुछ परमिशन को अलाउ करना होगा आपको। तो यहाँ पे दो थीम मिल जाएंगे, एक तो एंड्रॉयड थीम आपका और एक जो आपने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो जो आपने इंस्टॉल किया आपको उस पर क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको बैक कर देना है और गाइज, यहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे फ़ोन में अप्लाई हो चुका है और ये काफ़ी कमाल का यहाँ पर लुक दे रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें आपको काफ़ी सारे नए फीचर्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जब फ़ोन को रोटेट करोगे, मूव करोगे, तो उसी तरह ये थीम भी मूव होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी कमाल का लुक दे रहा है आपके फ़ोन को। और गाइज, यहाँ पे आप जब इस तरह स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी कमाल का लग रहा है। अब इसके बाद आप यहाँ पे जब ऑल ऐप पे क्लिक करोगे तो आपका मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इस तरह इसको स्क्रॉल कर सकते हो और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे थीम भी मिल जाएंगे। यहाँ पे आप जब कुछ सेकंड क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे थीम मिल जाएंगे, आप यहाँ से इसको अप्लाई कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन गाइज, मुझे ये स्पेस वाला काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये एक बिल्कुल नया एप्लीकेशन है, बिल्कुल नया लॉन्चर है। आप इसको यूज कर सकते हो अपने फ़ोन में और ये काफ़ी स्मूथली काम करता है। तो गाइज़, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक कर दो यार। और इन एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो।
तो गाइस चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन से रिलेटेड, नए नए ट्रिक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद गाइस।